प्रयागराज पीएम मोदी ने धूले सफाई कर्मियों के पैर ज्योति बोली सपने में भी नहीं सोचा था। प्रयागराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित कुंभ में स्वच्छता मिशन को सफल बनाने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने 5 स्वच्छाग्रहियों के पैर धूले और उन्हें अंगवस्त्र दिया। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के बाद स्वच्छाग्रहियों में खासा उत्साह है। स्वच्छाग्राही ज्योति कहती है कि उन्होंने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें पीएम मोदी से इतना सम्मान मिलेगा। पीएम मोदी ने सफाई कर्मी प्यारे लाल से बातचीत की। प्रधानमंत्री से हुई बातचीत के बारे में प्यारे लाल बताते हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई यह बताइए कि मेले में आपको कैसा लगा। हमने बताया कि बहुत अच्छा लगा, हमें नहीं पता था कि आप हमारे पैर धुलेंगे, हमें सम्मान देंगे, आप फिर से मंत्री बने। जब हमने मेहनत किया तब हमने प्रधानमंत्री के दर्शन पाए। जिन लोगों ने मेहनत नहीं की उन्हें प्रधान के दर्शन नहीं मिले। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांदा के स्थानीय प्यारे लाल के साथ कुल 5 लोगों के पैर धुलकर उन्हें सम्मान किया। इनमें चौबी और नरेश संभल के हुरी लाल और कोरबा की ज्योति शामिल थे। पढ़े कुंभ की स्वच्छता में योगदान देने वाले सफाई कर्मियों के पीएम मोदी ने धुले पैर, कभी नहीं भूल सकती अद्भुत क्षण। ज्योति कहती है पीएम से इतने सम्मान की उम्मीद तो सपने में भी नहीं की थी। देश के प्रधानमंत्री से मिलकर बात करना ही बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने तो सफाई कर्मी के पैर धूले और तौलिए से पोंछकर सम्मानित भी किया, अपनत्व से हाल चाल भी पूछा। ज्योति ने कहा कि यह क्षण वह जीवन भर नहीं भूल सकती। गांव में और रिश्तेदारों को बता की बुरा हाल। पीएम से मिलने के बाद चौबी तो खुशी के कारण बोल ही नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कि वह गांव में और रिश्तेदारों को भी यह बताएंगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतना सम्मान दिया। मुरीलाल ने कहा कि यह उनके लिए जीवन भर न भूलने वाली घटना है। सफाई कर्मी के साथ तो लोग बैठना भी पसंद नहीं करते और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो पैर धोए। बांदा के नरेश ने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, वह तो पीएम के मुरीद हो गए हैं, इतना सम्मान तो अब तक उन्हें नहीं मिला था। ऐप शेयर करें। शौचालय साफ करना इसी काम में वो लगे रहे थे, ये बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी की नजर में आए चुपचाप अपना काम कर रहे थे। लेकिन इन कर्मयोगियों की, स्वच्छाग्रहियों की मेहनत का पता मुझे दिल्ली में लगातार मिलता रहता था।